पंचायत चुनाव को लेकर शहडोल के सुहागपुर जनपद में पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया का दौर शुरू हो गया था। चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशियों के लिए बिजली बिल जमा कर नोड्यूज प्रमाण पत्र नामांकन के साथ जमा करना अनिवार्य था, लेकिन शहडोल जिले के सुहागपुर जनपद अंतर्गत कई पंचायतों में बिजली बिल भुगतान नहीं कर पाने पर, नामांकन नहीं दाखिल कर पाने पर कांग्रेस सरकार को अड़े हाथों लेते हुए इसे मुद्दा बनाकर विरोध कर रही है, जिसके लिए शहडोल में आयोजित पत्रकार वार्ता में कांग्रेस ने सरकार को इस विषय पर जल्द ही कोई निर्णय नहीं लेने पर सरकार को घेरने के लिए चेतावनी दी है। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर सरकार को अड़े हाथों लिया है। मामला ये है कि भाई उपचुनाव के दौरान कोरोना काल की जो पीरियड की जो बिजली बिल था उसको माफ़ कर दिया गया, और आज की स्थिति में जब ये चुनाव घोषित हुआ है पंचायत का, उसमें बिजली विभाग का क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। क्लियरेंस सर्टिफिकेट में ये स्थिति बन गई कि जो बिजली का बिल 300-400 आया करता था, 9-10 हज़ार की स्थिति बन गई है। हर पंच चुनाव लड़ने के लिए आप 9-9 हज़ार रुपये बिल जमा किया है। मैं आपको खमरिया की स्थिति बताऊं, वहाँ सारे पंचों ने 9-9 हज़ार रुपये अपने बिल जमा किए हैं। जहाँ बिल नहीं जमा कर पाए, वहाँ की ये स्थिति कि वार्ड खाली चले गए। जैसे शहडोल से लगा बिल्कुल कल्याणपुर पंचायत के वार्ड में 3-3 वार्ड खाली हैं, नरवार में वार्ड खाली हैं। तो ये अन्यायपूर्ण स्थिति सामने आ रही है। जो कल बिजली बिल माफ़ किया गया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिजली बिल को उसी रूप में वसूलने का प्रयास तिगुना चौगुना कर रही है, और तो और नोटिस देकर ये कहना कि यदि आप 60% दे देंगे तो 40% की छूट, यानी 100 रुपये की बिजली बिल में यदि आप 60 रुपये इकट्ठा जमा कर देते हैं तो हम 40 रुपये की आपको छूट दे देंगे। जो कांग्रेस शासन काल में कमलनाथ जी की सरकार ने 100 रुपये 100 यूनिट बिजली बिल किया था, आज उसके साथ इस तरह से जनता के साथ अन्याय पूर्ण परिस्थितियां। उपचुनाव था इसलिए उन्होंने ऐसा किया, आज पंचायत के चुनाव में उनसे वसूल रहे हैं। आम जन लोग परेशान हैं, आप विपक्ष ये स्थितियां सामने आई हैं। आज उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए मैंने आप सबके माध्यम से प्रशासन को और तमाम लोगों को चेताने का प्रयास किया है। यदि इस पर न्याय नहीं करते हैं, इस पर कोई निर्णय नहीं लेते हैं, तो हम आम जनों के साथ इस प्रशासन को घेरेंगे, सरकार को घेरेंगे। शहडोल कांग्रेस जिला अध्यक्ष आज़ाद बहादुर सिंह ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर जिले के सुहागपुर जनपद पंचायत अंतर्गत कुछ पंचायत में बिजली बिल क्लियरेंस नहीं होने पर, नामांकन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताते हुए भाजपा सरकार को अड़े हाथों लेते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही सरकार इस मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं लेती तो वे सरकार को घेरेंगे। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि कोरोना काल में लोगों के बड़े बिजली बिल को माफ़ कर दिया गया था, आज की स्थिति में जब पंचायत चुनाव सामने हैं तो इसमें बिजली बिल जमा कर नोड्यूज प्रमाण पत्र नामांकन के साथ जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कुछ लोगों ने तो बड़े बिल जमा कर दिए लेकिन कुछ लाभार्थी बिल नहीं जमा कर पाए, वहाँ नामांकन नहीं भर पाए हैं, जिससे मुख्यालय से लगे कल्याणपुर पंचायत व नरवर पंचायत के कई वार्ड खाली चले गए, जिससे वे अब चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। जो कल सरकार बिल माफ़ की थी, आज उसे इन माध्यमों से तिगुना चौगुना वसूल कर रही है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही अन्य मुद्दों पर सरकार को अड़े हाथों लिया। सरकार ने उसका परिसीमन नहीं कराया, पोस्टर बना के भेज दिया गया, जबकि जो अन्य ग्राम पंचायत है वहाँ पर लगा हुआ जो हमारा वार्ड है, जैसे 10 क्रमांक 12 लगा हुआ है, एक तो अगर जिला पंचायत का, तो उन ग्राम पंचायतों के कुछ ग्राम पंचायत हटाकर इसमें जोड़ देते, क्योंकि उसमें दिया गया है कि कम से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र जिला पंचायत वार्ड समाप्त कर देना चाहिए, ऐसा एक्ट में है, जबकि सरकार ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसमें हमारा जो बहुत बड़ा नुकसान था उसमें जिला पंचायत का, और उसको ना करते हुए था 2014 वाला कर दिया। इस प्रकार से अन्य जो हमारे ज़िले में संभाग में हमारे, और देखिए हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष उमरिया, वो भी हमसे वो की बोले आपके ऐसा हो गया, तो हमारा बोले हमारे यहाँ मानपुर हो गया है, अनूपपुर भी हो गया था, ऐसे कुछ नगर पंचायत बन गए थे, उन ग्राम पंचायतों को यथावत जो है था उसमें नगर पंचायत बना दिया गया।
तो जो ग्राम पंचायत उस एरिया में जनपद जो वार्ड लगते थे हमारे ग्राम जनपद वार्ड, उन वार्डों को भी समाप्त कर दिया गया। जैसे हमारे बकरू में 3 जनपद थे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।